नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इजी एक केक की रेसिपी बनाएंगे। फटाफट बन जाएगा, ज़्यादा सामान नहीं चाहिए इसे, और बहुत आसानी से इसे हम गैस पर ही बेक कर लेंगे। तो आइए बनाते हैं सिंपल से बिस्किट केक को। तो देखिए, इसके लिए हमने थोड़े से ओरियो बिस्किट लिए हैं और थोड़े से पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। तो आप इस तरह से मिले जुले घर में बचे हुए थोड़े से जो बिस्किट होते हैं उन्हें ले सकते हैं केक के लिए। इन्हें हम इस तरह से टुकड़े करके ब्लेंडर जार में डालेंगे और इनका एक पाउडर बना लेंगे। तो बहुत फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, थोड़ा दरदरा पाउडर भी चलेगा। तो देखिए, पाउडर बन के रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध आप थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हमें इसे केक की कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। तो मैंने आधा छोटा गिलास दूध डाला है और इसे एक बार हम मिक्सी में चला लेंगे। तो देखिए, बैटर रेडी है ये। अब इसमें देखिए, मैंने आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और चौथाई 1/4 चम्मच मैंने मीठा सोडा डाला है। तो ये दोनों छोटी चम्मच ली है मैंने और इन्हें फिर से फेंट लिया। और ये देखिए, केक का बैटर रेडी हो गया है। इसकी बिल्कुल सही थिकनेस हुई है। तो एक हमें देखिए इस तरह छोटी कढ़ाई लेनी है, मोटे पैंदे की आप लें या नॉन स्टिक की ले लें। और उसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे और उसे ब्रश कर लेंगे और थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे इसमें। इससे ईजिली केक बाहर आ जाएगा जब हम उसे बाहर निकालेंगे और इसे फैला लेंगे हम मैदा को। अब डायरेक्टली हम केक का बैटर इसी में डाल देंगे, किसी मोल्ड की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजिली केक इससे निकल जाएगा और बन भी जाएगा ईजिली। तो इसे हम सेट कर लेंगे थोड़ा सा। और अब देखिए, घर में कोई पुराना तवा होता है, पुरानी कढ़ाई होती है, आप उसे इस पर रख दीजिए और गैस को मीडियम से लो फ्लेम की तरफ रखना है। और इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे बेक होने में। बहुत इजीली सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, लगभग 15 मिनट हो गए हैं और ये केक बहुत अच्छे से कुक हो गया है। मैंने नाइफ डालकर चेक किया है तो अंदर से बिल्कुल साफ निकल रहा है चाकू, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से कुक हो गया। तो देखिए, इस तरह से साइड से हम थोड़ा सा इसे छुड़ा करके निकाल लेंगे। इस तरह से इजीली निकल जाएगा ये। और एक प्लेट रखकर हम उस पर इसे डीमोल्ड कर लेंगे इजीली। अब देखिए, ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो गया, इसके लिए अब इसमें हम चॉकलेट सॉस डाल देंगे, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा और टेस्ट भी आएगा। और इसके ऊपर थोड़े से देखिए मैंने सिल्वर बॉल्स डाले हैं, वाइट चॉकलेट चिप्स डाले हैं। तो आप इसी तरह किसी भी चीज़ से इसे सजा लीजिए और देखिए कितना बढ़िया ये केक बनकर रेडी हुआ है। सिर्फ 15 मिनट में चॉकलेट केक रेडी हो गया है। तो आप इसे बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।